तो आज मैंने यहाँ पे बनाया है कुकर में टमाटो राइस बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बनने में बहुत ही आसान, और साथ में बूंदी का रायता भी बनाया है जो कि टमाटो राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। 10 मिनट में हमारा जो ये चावल है और बूंदी का रायता है बन के एकदम रेडी हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताती जाऊंगी। पहले तो आपको ना आधे घंटे के लिए चावल भिगो के रख लेने हैं, उसके बाद आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तब मैंने एक कुकर ले लिया है और तेल डाल दिया है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और दालचीनी डाला है, और ये देखिए जीरा डाल दिया है उसके बाद मैंने, और 2 लौंग भी डाल दी है। तो ये सब डालने के बाद इसमें मैंने जिंजर गार्लिक मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाला है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको सबके साथ हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम बड़े कटे हुए प्याज डाल देंगे इसमें, ये देखिए इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें मेजर पार्ट यही है कि हमको अच्छे से सबको भूनना है, ठीक है। तो ये जो प्याज है इसको भी अच्छे से एकदम भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और मैं इसमें बे लीफ मतलब तेज पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने ये भी इसमें डाल दिया है अभी। ये देखिए प्याज जो है उसको अच्छे से हमको रोस्ट करना है। तेल शायद थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने और डाल दिया। ये देखिए प्याज का भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज का टेक्सचर एकदम सही हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन थोड़े से वाइट मिक्सड है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे चॉप किए हुए टमाटर और साथ में हरी मिर्च जो है वो चॉप करके इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि मशी से हो जाए, थोड़े मिक्स मैश हो जाए और टमाटर कुक हो जाए अच्छे से। उसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक डाल के और इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे ताकि जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से एकदम कुक हो जाए। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से इसको भून लेना है। जितना आप भूनेंगे ना टेक्सचर भी उतना अच्छा आएगा और टेस्ट भी। तो अभी हम यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला और लाल मिर्च पाउडर डाला। थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला भी डाल दिया। पाव भाजी मसाले से भी टेस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी चलेगा। इसको अच्छे से भून लिया मसालों को भी। उसके बाद यहाँ पे जो भिगोए वो राइस थे ना, 30 मिनट मैंने भिगोए थे उसको, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी यहाँ पे सबको यही दिक्कत आती है, मतलब ये मेन चीज़ होती है कि राइस तो है, अभी राइस को अच्छे से भूनना है और इसके बाद जो पानी का मेजरमेंट है वो सही से होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले तो हमको चावल को एकदम अच्छे से भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि चावल अच्छे से भून सके इसमें, और घी का फ्लेवर भी सब में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए एकदम अच्छे से इसका, जब आप चावल को भूनते हैं ना तो चावल का भी कलर भी चेंज होता है और ना अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखना। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गए। देखिए मैं हटा के बताती हूँ, एकदम सब चिपक रहे हैं। ये देखिए इतने अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, ठीक है। अच्छे से भूनने के बाद मैं पानी का मेजरमेंट आपको बताती हूँ। आपने जितना राइस लिया है, अगर अगर आपने 1 कटोरी राइस लिया है तो आप 1.5 कटोरी पानी डालो, ठीक है। पर आपको भिगो के आधे घंटे के लिए रखना है, और आप जब विसिल दो ना तो यहाँ पे 1.5 कटोरी आपको पानी डाल लेना है। अगर आपने 1 कटोरी राइस लिया है, सेम राइस के मेजरमेंट से थोड़ा ज़्यादा मतलब आधा कटोरी ज़्यादा, ठीक है। और आपको जो सीटी है विसिल ब्लो कैसे करनी है, आपको एक सीटी लगानी है पूरी हाई फ्लेम पे और दूसरी जो है लो फ्लेम पे कर देना है, पर सीटी आने के पहले ही हमको बंद कर देना है, ठीक है। जब तक सीटी निकले तब तक हम यहाँ पे बूंदी का रायता बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे दही ले ली है। दही को अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से फेंटने पे यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पे काली मिर्ची डाल दी है। काला नमक काली मिर्ची बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसके लिए। फिर मैंने नॉर्मल नमक जो आता है वो डाल दिया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है। इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे बूंदी।
ये देखिए बहुत सारी बूंदी, तो जो टमाटो राइस है ना उसके साथ बूंदी का रायता बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा और खा के देखिएगा, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी बूंदी भी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम अपने चावल देख लेते हैं कि कैसे बने हैं। मैं आपके सामने ही खोलूँगी इसका ढक्कन। तो ये देखिए एकदम प्रॉपरली कुक हुए हैं। ये देखिए ना चावल चिपके हैं ना बहुत गीले हो गए हैं, क्योंकि एकदम प्रॉपर मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो एकदम प्रॉपर बनेंगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है, और देखने में इतना सुंदर, खाने में बहुत टेस्टी है। ये देखिए बहुत सही है, और एकदम खिले खिले कुकर में खिले खिले चावल आपको बने हुए मिल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सही बने हैं। आप इसको बूंदी के रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी आया ना झटपट से कुछ नहीं समझ में आ रहा है और एक और डिश बनानी है, तो आप ये फटाफट से 10 मिनट में बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और रेसिपीज़ देखिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।